अब बताया जाए आपको जो धमकी भरा जो मैसेज दिया गया है उसको लेकर क्या? हम उसके धमकी से या किसी के धमकी से हम डरने वाले नहीं हैं, और उस सब का कोई माने मतरे मेरे सामने नहीं है। कोई अफुआ लफुआ टाइप का आदमी जो होता है मानसिक विचलित करने के लिए ही काम किया होगा, इससे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है और 47 से भूलने की धमकी। अब कोर्ट 47 चलाने की बात कर रहा है, और कोर्ट 47 की बात करती है उसको तो भली बात आप जानते हैं कि 47 की चर्चा कौन लोग करते हैं, किस तरह के लोग होते हैं जो 47 की बात करते हैं, 47 लेके चलते हैं। हम लोग को इसे क्या लेना देना है? क्या मैसेज आया था क्या उसमें? वो मैसेज आया था वो DGP से लेके सब लोगों को, जिसके मोबाइल से हमको मैसेज आया, हमारा PN है, सब मैसेज को जो भी सक्षम अधिकारी हैं उनको मैसेज को फॉरवर्ड कर दिया गया। प्राथमिकी दर्ज हो गई, उन लोगों ने कहा कि लिखित ले लिया है, लिखित हो गया है। हमको लग रहा है कि पुलिस जो है सो डिडक्ट भी कर चुका है, क्योंकि हमने ही अखबार में देखा है कि इसी टाइप का मैसेज जो है सो सीवर SP को भी भेजा गया था। चुनाव को लेकर क्या लग रहा है सरगर्मी इस बार कुछ अलग अलग? ये तो सबसे ज्यादा आइडिया हम प्रत्याशी हैं, हमारे दल के लोग और हम ये कहेंगे कि हमारा जीत सुनिश्चित है, लेकिन आप मीडिया के भाई हैं, पत्रकार हैं, आपको ज़्यादा जानकारी होगा, आप ज़्यादा बेहतर हमसे जानते होइएगा न्यूज़ के माध्यम से, सर्वे के माध्यम से, कि चुनाव की यहाँ क्या स्थिति है, कोई लड़ाई है क्या यहाँ? अगर कोई लड़ाई हो तब ना स्थिति की बात किया जाए। एक अलग अंदाज में यहाँ प्रत्याशी आए हैं राजद की तरफ से, हाँ, और तरह तरह की बातें चल रही हैं। तेजस्वी जी आए हैं? नहीं नहीं, राजद की तरफ से एक अलग अंदाज में प्रत्याशी आए हैं। भाई किस अंदाज के प्रत्याशी हैं और किस टाइप के प्रत्याशी हैं, उनको त्रिस्तरीय पंचायती राज क्या है, इसका क्या कार्य है, क्या कर्तव्य है, क्या अधिकार है, ये पद क्यों बनाया गया, किनकी सेवा के लिए है, किनके काम के लिए है, उनको इसकी कोई ज्ञान जानकारी है? बोलिए। अब उस प्रत्याशी के बारे में हम चर्चा नहीं कर सकते हैं ना, ये आप खूबी चर्चा कर सकते हैं कि जो प्रत्याशी को मेरे खिलाफ उतारा गया है वो प्रत्याशी किस टाइप के हैं, वो हमारे पंचायती राज के जो प्रतिनिधि हैं, हमारे वार्ड सदस्य हैं, नगर निगम के सदस्य पार्षद हैं, जिला पार्षद हैं, पंचायत समिति के सदस्य हैं, प्रमुख लोग हैं, माननीय मुखिया जी लोग हैं, उन लोगों से कैसा संबंध होगा, क्या होगा, नहीं होगा, ये भली बात ही जानते हैं। आप आकर के बैठिए, हम जहाँ बैठते हैं तो देखिएगा, यहाँ तो दिन भर हमारे वोटर लोग जो है से जाके पूछिए, गुप्त रूप से उनसे उनकी मन की बात लीजिए तो बताएंगे। चुनाव जीतने को लेकर कितना आश्वस्त है? हम चुनाव जीतने के लिए कहाँ आश्वस्त हैं, हम ये कहिए कि देश के 200 में 98% एक तरफा मत पाने वाला कोई व्यक्ति रहा होगा तो उसका नाम बताइए, और उसी पर हम आश्वस्त है कि तीनों बार बिहार में सबसे अधिक मत से जीते और प्रथम स्थान लिए, और इस बार भी बिहार में सबसे अधिक मत से जीतेंगे। नामांकन की तिथि को लेकर क्या कुछ घोषणा वगैरह रखी गई है क्या? 14 तारीख को नामांकन है मुजफ्फरपुर क्लब में 10:30 से 11 बजे तक। हमारे सभी जो वोटर हैं, हमारे मतदाता हैं, हमारे शुभचिंतक हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे समर्थक हैं, हमारे सभी पार्टी के नेता हैं, सब लोगों को मैं आपके माध्यम से निमंत्रण दे रहा हूं कि वो लोग आवे, आके हमको आशीर्वाद दे। ये आवेदन प्राप्त हुआ है, जांच चल रही है, जांच के बाद ही कुछ हम लोग बता पाएंगे, अभी जांच चल रही है। मैसेज आया है, मैसेज उसमें मैसेज आ गया।